मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं का भविष्य दांव पर है। विधानसभा चुनाव हार चुके केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ती की साख भी आम चुनाव में दांव पर लगी है। पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन मंत्री कुलस्ते के पक्ष में प्रचार करने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मोर्चा संभाला। सीएम यादव कुलस्ते के पक्ष में रोड शो और सभा को संबोधित करने डिंडोरी पहुंचे। सीएम का रोड शो कंपनी चौक पुरानी डिंडोरी से होकर जबलपुर बस स्टैंड तक तय था, लेकिन सीएम के पहुंचने से पहले ही कार्यकर्ता और जनता वहां से निकल लिए। इसके चलते लोगों की संख्या कम होने से रथ की बजाय सीएम कार में सवार हो कलेक्ट्रेट तिराहा तक पहुंचे। इसके बाद चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी की तुलना भगवान राम से कर डाली। इसके बाद सीएम का रोड शो महज मजाक बनकर रह गया, जिसको लेकर शहर में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सीएम यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से गुणगान किया, इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन भी माना जा रहा है। भगवान राम का काल याद करो, भगवान राम के काल में भी राक्षसों का आतंक था, लेकिन राम राज्य में कोई राक्षसी नहीं बचा था, सब धराशायी हुए। हमने राम जी का तो सुना ही सुना है, लेकिन अपनी आंखों से नरेंद्र मोदी जी का काल देख रहे हैं। सीएम यादव ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने पर कांग्रेसी नेताओं पर निशाना भी साधा। अब कोई कांग्रेसी नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। गलती कर दी पाकिस्तान ने, जैसे ही बालाकोट में सोए सैनिकों की हत्या की, नरेंद्र मोदी जी ने टीवी के सामने आकर कहा था, बहुत बड़ी गलती कर दी है पाकिस्तान ने, इसको कीमत चुकाना पड़ेगी। और हमने सबने देखा, पाकिस्तान में घर में घुस के मारने का उदाहरण कोई ने बनाया तो भारत के प्रधानमंत्री ने बनाया, ये हमारे लिए सबकी बात। आपको बता दें, मंडला लोकसभा सीट से प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव में निवास विधानसभा सीट से चुनाव हार गए थे। पार्टी सूत्रों की माने तो आला कमान इन्हें भी मध्य प्रदेश में सेटल करना चाह रहा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद इन्हें एक बार फिर मंडला लोकसभा सीट से मैदान में उतारा गया है। जानकारों की माने तो कुलस्ते की स्थिति काफी कमजोर मानी जा रही है। इसी के साथ इस बार मंडला लोकसभा सीट का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। आप देखते रहिए न्यूज पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।